नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार, नहीं टूटा मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भाजपा में बना डेडलॉक, सत्ता बंटवारे के 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी शिवसेना। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी नेता शरद पवार की मुलाकात, मुलाकात के बाद बोले शरद पवार, सरकार को लेकर नहीं हुई कोई बातचीत, सरकार बनाए शिवसेना और भाजपा। महाराष्ट्र में 9 नवंबर तक नहीं बनी सरकार तो लगेगा राष्ट्रपति शासन, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना पर कहा महाराष्ट्र की जनता का होगा अपमान। दिल्ली में नई सुलझा पुलिस वकील के बीच विवाद, हड़ताल पर दिल्ली की सभी अदालतों के वकील, ठप हुआ कामकाज, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन, बार काउंसिल ने की हड़ताल खत्म करने की अपील। दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील पुलिस विवाद पर सुनवाई के दौरान जमकर हंगामा किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की गृह मंत्रालय की याचिका, झड़प मामले में 2 याचिका खारिज, पुलिस को लगा झटका। पराली जलाने को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट का, लापरवाह अफसरों को सजा देने का वक्त आ गया, पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा पिछले 1 साल में क्या किया। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त हुआ पंजाब और हरियाणा प्रशासन, पंजाब में 400 से अधिक किसानों के खिलाफ केस दर्ज। अयोध्या पर फैसले से पहले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, बाबरी मस्जिद थी और शरिया के अनुसार आज भी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की कही बात। कांग्रेस ने की जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग, बोली पार्टी महासचिव अंबिका सोनी, हिरासत में लिए गए नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए। शाहजहांपुर मेडिकल छात्रा से रेप और वसूली के मामले में एसआईटी ने दाखिल की 2 चार्जशीट, भाजपा नेता चिन्मय आनंद पर रेप के आरोप नहीं, शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। आर्थिक मंदी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर कांग्रेस, 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में करेगी रैली, विपक्ष की पार्टियों से शामिल होने की भी अपील। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सहयोगी हनीप्रीत को मिली जमानत, देशद्रोह की धारा हटने के बाद दाखिल की थी जमानत याचिका, पंचकुला मामले में मिली राहत। दुबई दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, निवेशकों से की 1-to-1 चर्चा, दुबई इंदौर फ्लाइट शुरू करने को लेकर एमिरेट्स एयरलाइंस के चेयरमैन से की चर्चा। अयोध्या मामले को लेकर अलर्ट पर भोपाल पुलिस प्रशासन, सोशल मीडिया को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, धर्म विशेष से जुड़े मैसेज और पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश में पुलिस सब जाति पूछकर करेगी कार्रवाई, डीजीपी की एडवाइजरी पर विवाद, एसटी एससी वर्ग के लोगों से थाने में नहीं की जाए मारपीट। सेंसेक्स पहली बार हुआ 40,500 के पार, कारोबार के दौरान बाजार में 222 अंकों की तेजी, निफ्टी में 44 अंकों का उछाल। देश के कई राज्यों में प्याज के दाम 80 के पार, भोपाल में खुदरा बाजार में 100 रुपए में बिक रही प्याज, खाद्य मंत्री ने दामों में बढ़ोतरी के लिए कम उत्पादन को ठहराया जिम्मेदार। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से बदला मौसम, सैलानियों की हुई बल्ले बल्ले, मैदानी इलाकों में जल्द दे सकती है ठंड दस्तक। इस सप्ताह बाला सैटेलाइट शंकर और बाईपास रोड होगी रिलीज, बाला में आयुष्मान खुराना, सैटेलाइट शंकर में सूरज पंचोली और बाईपास रोड में नील नितिन मुकेश है लीड रोल में, बाला को लेकर दर्शकों में है खासा उत्साह। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लोगो हुआ रिलीज, यह मूवी क्रिसमस 2020 पर देखने को मिलेगी, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, इसे अद्वैत चंदन कर रहे हैं डायरेक्ट। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर, और इसके साथ मुझे यानी कि नेहा रेड्डी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।